गाइस वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। जो आज का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है वो हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी कि हम हमारे चैप्टर के अंत में आ चुके हैं। इससे पहले हम परागण से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपको किसी को भी परागण से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये वीडियो फिनिश होने के बाद कमेंट में सेक्शन में जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को ऐड करके मैं प्रोवाइड करवाऊंगी उसका सॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है निषेचन। हमारे निषेचन की खोज की है स्ट्रॉस बर्गर ने। किसने की है हमारे निषेचन की खोज? स्ट्रॉस बर्गर ने। किसने की है हमारे मोनोट्रापा पादप में की? किसमें की है हमारे स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी खोज? मोनोट्रापा प्लांट में की है। अब हमारा निषेचन होता क्या है? क्या होता है निषेचन? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या होता है निषेचन? हमारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब हमारा जो नर युग्मक है या मादा युग्मक है, नर युग्मक क्या है हमारा? पुंकेसर। पुंकेसर में क्या है हमारे? परागकण। मादा युग्मक क्या है हमारा? अंडक। इनके संलयन की प्रक्रिया हमारे निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, वहां से क्या निकलेगी? हमारे पराग नली निकलेगी। अब इसके लिए कैल्शियम और बोरॉन आवश्यक तत्व माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं हमारे? कैल्शियम और बोरॉन हमारे इसके लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो हमारी परागनली निकली है ये बीजांड में किस तरह प्रवेश करेगी। बीजांड में प्रवेश के आधार पर हमने इसे तीन भागों में विभक्त किया है। आप देखेंगे कि वो तीन भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं पराग नली बीजांड में किस तरह से प्रवेश करती है। तो हम एक हमारे बीजांड की संरचना बना लेते हैं जो कि हम बहुत बार बना चुके हैं। सारे आपको डायग्राम से पार्ट्स लर्न हो गए होंगे कि बीजांड में कौन कहां होता है, किस तरह से होता है। पराग नली हमारी कहां से प्रवेश करेगी उसके आधार पर हम हमारे बीजांड में प्रवेश के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है हमारा पोरोगैमी, चीटोजोगैमी एंड नेक्स्ट है हमारा मीसोगैमी। अगर हमारी पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करे हमारी पराग नली? बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो हमारा कैसा पराग निषेचन होगा? पोरोगैमी का। नेक्स्ट, अगर हमारी पराग नली निभाग से प्रवेश करे, यहां हमारा निभाग होता है, यहां से प्रवेश करे तो हमारा किस तरह का निषेचन होगा? चौड़ोगैमी वाला। ठीक है, यदि हमारी पराग नली अध्यावरण से प्रवेश करती है तो ये हमारा किस तरह से होता है? मीसोगैमी का। क्लियर? वेरी गुड। बीजांड में किसी भी तरह से प्रवेश कर सकती है, कहीं से भी। हमने पढ़ा ना, तीन टाइप पढ़े अभी हमने, बीजांड में कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन अगर उसे अंदर प्रवेश करना है तो उसके पास केवल एक ही रास्ता है। वो एक रास्ता कौन सा है उसका? अगर उसे भ्रूण पोष में प्रवेश करना है तो एक रास्ता कौन सा है हमारा?
अंड उपकरण, किससे प्रवेश करेगी? वो हमारे अंड उपकरण से प्रवेश करेगी। क्लियर? अंड उपकरण से प्रवेश करेगी। अंड उपकरण से प्रवेश करने के बाद वहां पर निषेचन करके वो हमारे केंद्रक में निषेचन करती है। अब हम देखेंगे कि संलयन किस तरह से होता है। जो हमारे युग्मक थे, हमारे युग्मक बने थे समसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से, जो हमारी कायिक कोशिका जननी कोशिकाओं ने युग्मक बनाए थे। हमने नर युग्मक को उद्भिद की संरचना पढ़ी थी ना, आप अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारी जो नर युग्मक उद्भिद की संरचना थी उस वाले लेक्चर में जाइए, उसको देखिए। अगर आपको वो नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा कि युग्मक संलयन किस तरह से होता है। क्लियर? चलिए अब हम देखने वाले हैं कि युग्मक संलयन किस तरह से होता है। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं हम? युग्मक संलयन। अगर आपने हमारा नर युग्मक उद्भिद वाला पार्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहले आप वो देखिए, फिर आप नर युग्मक संलयन देखिएगा। हमारे क्या था कि एक ध्रुवीय कोशिका थी। अब ध्रुवीय कोशिका में क्या होगा? ध्रुवीय केंद्रक होगा, जो कि क्या होगा? अपना हैप्लॉइड होगा, एन होगा, ठीक है। एक और दूसरी ध्रुवीय कोशिका थी हमारी, दूसरी ध्रुवीय कोशिका, उसके अंदर भी केंद्रक होगा, वो भी हमारा क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। हमारे एक ध्रुवीय कोशिका होगी, उसका केंद्रक दूसरी ध्रुवीय कोशिका, उसका केंद्रक, दोनों केंद्रक क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और दोनों केंद्रक मिल के हमारे द्वितीयक केंद्रक 2N बनाएंगे। द्वितीयक केंद्रक 2N बनाएंगे, ठीक है। अब ये द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संलयन करेगा। अब ये हमारा द्वितीयक केंद्रक क्या करेगा? हमारे नर युग्मक से संलयन करेगा। नर युग्मक क्या होगा? हमारा एन। द्वितीयक केंद्रक क्या होगा? हमारा 2N। तो इनके बीच में क्या होगा? हमारा त्रिसंलयन। तो आप बताइए मुझे, द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संलयन करके किस प्रकार का संलयन होगा? हमारा त्रिसंलयन होगा। तो क्या बनाएगा ये? क्या बनाता है ये? हमारे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, जो कि हमारा क्या होगा? त्रिसंलयन होगा, तो 3N होगा। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से हमारे किसका निर्माण होगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? हमारे भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अब हमारा वापस से द्वितीय केंद्रक क्या करता है? हमारा द्वितीय केंद्रक इसी प्रक्रिया को अंजाम देगा। लेकिन हमारी एक क्या थी? हमारी द्वितीय कोशिका थी, है ना, हमारी कोशिका थी, हमारा नर युग्मक था, दूसरा नर युग्मक था हमारे पास, वहां पे हमारा दूसरा नर युग्मक था। ये नर युग्मक, एक नर युग्मक तो हमने यहां ले लिया, दूसरा नर युग्मक हमारी अंड युग्मक या अंड कोशिका से संलयन करेगा। क्या करेगा? इससे संलयन करेगा। ये भी अपनी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, यानी कि एगुणित, एगुणित संलयन करेगा। तो कैसा संलयन होगा इनका? द्वि संलयन हो गया। और क्या बनेगी हमारे? जायगोट बनेगी। क्या बनेगा हमारे? जायगोट बनेगा। अब जायगोट कैसा होता है हमारे? 2N होता है। अब ये जायगोट, ये जायगोट हमारे क्या करता है? सत्य भ्रूणपोष, क्या करता है ये हमारा? सत्य निषेचन करता है, या फिर सत्य भ्रूण का निर्माण करता है। क्या करता है ये? सत्य निषेचन भ्रूण का निर्माण करता है, जो कि खुद कैसा होगा? अपना 2N होगा।
जो कि कैसा होगा हमारा 2n होगा। हमने यहाँ पर सब जो भी अभी तक पढ़े थे उनमें किस तरह से संलयन होता है उसके बारे में पढ़ा है। अब किस तरह से संलयन होता है, एक हमारी ध्रुवीय केंद्रक है, दूसरा हमारा ध्रुवीय केंद्रक है, ये भी हमारा हैप्लॉइड होता है, ये भी हमारा हैप्लॉइड होता है, दोनों ने किया निषेचन संलयन, तो क्या बनाया इन्होंने द्वितीयक केंद्रक जो कि 2n होता है, द्विगुणित होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। अब इस द्वितीयक केंद्रक ने नर युग्मक, हमारे पास दो नर युग्मक थे, एक नर युग्मक से क्रिया की। अब ये खुद 2n था, द्विगुणित था, क्या था ये द्विगुणित, ये क्या था हमारा अगुणित। इससे क्या किया इसने, संलयन किया, कौन सा संलयन किया, त्रि संलयन किया। तो क्या बनाया इसने, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किया। किसका निर्माण किया उसने, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किया। अब ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक किसका निर्माण करता है, हमारे भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, हमारे भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो कि हमारा कैसा होता है 3n होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सेकंड पॉइंट, हमारी दूसरा नर युग्मक था जो कि खुद हैप्लॉइड था, और हमारी अंडकोशिका जो भी हैप्लॉइड है वो क्या करती है, द्विसंलयन करती है। क्या करेगी वो, हमारे द्विसंलयन करेगी, द्विसंलयन करके वो क्या बना रही है, जायगॉट। जायगॉट भी हमारा 2n ही होगा क्योंकि हमारा द्विसंलयन हुआ है। ये जायगॉट हमारे क्या बना लेता है, सत्य निषेचन भ्रूण बना लेता है, जो कि आगे चलकर जायगॉट भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बेबी बन जाता है हमारा, और भ्रूणपोष यानी कि भ्रूणपोष उसको भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा, और जो हमारे बाह्य आवरण होगा उसका निर्माण करने का कार्य करेगा। अब हमारे क्या होता है, एंजियोस्पर्म में होता है ना कि एक साथ दो निषेचन होते हैं, इसलिए उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। अब एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, हमारे दोहरा निषेचन होता है, क्योंकि हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हुए ना, तो एक साथ दो निषेचन हुए, तो एंजियोस्पर्म में एक साथ दो निषेचन होते हैं। एंजियोस्पर्म में एक साथ दो निषेचन होते है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अब हम हमारे पढ़ने वाले हैं असंग जनन क्या होता है और बहुभूर्णता क्या होती है। ये दोनों हमारे दो दो मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड इनके एग्जाम्पल कि असंग जनन क्या होता है और बहुभूर्णता हमारे क्या होती है। मैं सुबह से भूखी तो खांसी की ना। चलिए अब हम हमारा पढ़ने वाले हैं असंग जनन। असंग जनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपो का मीन है बिना, मिक्सिस का मीन है निषेचन। चलिए इन इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ पहले, फिर बोर्ड में हम बाद में देखेंगे। असंग जनन क्या होता है, जो हमारा असंग जनन है उसमें एपो का अर्थ है बिना और मिक्सिस का अर्थ है निषेचन, यानी कि जो हमारे बीज का निर्माण होता है वो हमारे निषेचन से होता है, निषेचन से होता है। लेकिन कुछ बीजों में, कुछ फलों में बीज का निर्माण किस तरह से होता है, बिना निषेचन के हो जाता है। बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज हमारे विंकलर नामक साइंटिस्ट ने की है। किसने की है, विंकलर नामक साइंटिस्ट ने की है। चलिए अब हम बोर्ड पर देखते हैं।
कि जो हमारा बीच का निर्माण है, बीच का निर्माण है निषेचन से होता है, निषेचन से होता है। लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है, कुछ पादपों में बीज का निर्माण निषेचन के बिना हो जाता है। क्या हो जाता है, निषेचन के बिना हो जाता है। इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन क्या है हमारा, अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या है हमारा, अलैंगिक जनन का प्रकार है। अब इस असंग जनन की खोज हमारे किसने की है, इसकी खोज हमारे किसने की है, खोज हमारे इसकी किसने की है, बताइए आप कमेंट में लिखकर। जिनको लर्न नहीं है बार बार कमेंट करते रहे ताकि आपको ये नाम लर्न हो जाए कि हमारे जो असंग जनन है इसकी खोज किसने की है। विंकलर ने की है। किसने की है, विंकलर ने की है। हमारा नेक्स्ट है बहुभूर्णता। बहुभूर्णता क्या होती है, वाले हैं बहुभूर्णता। क्या पढ़ने वाले हैं हम, बहुभूर्णता। सामान्यतः क्या होता है कि एक बीज में, एक फल में एक ही बीज होता है, एक ही भ्रूण होता है। लेकिन कई बार ऐसे कुछ हमारे फल हैं उन्होंने क्या होता है कि एक से ज्यादा बीज पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुभूर्णता। किसी भी फल में एक से ज्यादा बीज का पाया जाना, एक से ज्यादा भ्रूण का पाया जाना हमारे क्या कहलाता है, बहुभूर्णता कहलाती है। बहुभूर्णता की खोज हमारे किसने की है, ल्यूवेन हॉक ने की है। किसने की है, ल्यूवेन हॉक ने की है। किसमें की है, सिट्रस में की है। हमारा नींबू है ना, उसको सिट्रस बोलते हैं। नींबू में कितने सारे बीज पाए जाते हैं, तो हमारे बहुभूर्णता की खोज ल्यूवेन हॉक ने की है। अब ये बहुभूर्णता विभिन्न प्रकार से हो सकती है, यानी कि हमारा जो अंड है वो किस तरह से निषेचित हो रहा है। प्रतिमुख कोशिकाओं द्वारा होता है, अंड उपकरण द्वारा हो रहा है, अंड कोशिकाओं द्वारा हो रहा है, अध्यावरण द्वारा हो रहा है, सहायक कोशिकाएं द्वारा हो रहा है, किससे हो रहा है उसके आधार पर हमारी बहुभूर्णता बहुत प्रकार की है। बहुभूर्णता, बहु यानी बहुत सारे, पूर्णता यानी कि भूर्ण का पाया जाना ही हमारे क्या है, बहुपूर्णता है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।